हमारा ये प्रोग्राम है स्पेशली ड्रग पे है हमारा, तो इसमें हम ऑल इंडिया यूथ एसोसिएशन की तरफ से एक मैगज़ीन जो है रिलीज़ होने वाली है, जिसमें हम मिलके ऑल इंडिया एसोसिएशन एंड अल आसिफ फाउंडेशन एक मैगज़ीन जो है रिलीज़ करने जा रहे हैं, कि जिसमें उस मैगज़ीन का जो टाइटल हमने दिया है वो है एंट्री ड्रग मिशन। उसमें पिछले 2 साल से एक होल, मैं डिस्ट्रिक्ट पुलवामा की बात करूँ, वहाँ पे ड्रग के हवाले पिछले 2 सालों से बहुत खासा ये न्यूज़ देखने को मिली कि पुलवामा पुलिस ने बहुत हद तक ड्रग को कंट्रोल किया, इसीलिए एक मैगज़ीन हम पब्लिश करने जा रहे हैं। उसके लिए हमने वहाँ पे जो है एक DSP हेडक्वार्टर पुलवामा को दावत दी थी, उन्होंने इसके बारे में अपनी एक्सपीरियंस बताई कि उन्होंने पुलवामा में किस हद तक ड्रग को कंट्रोल किया। अब ये मैगज़ीन जो है ये दिल्ली से पब्लिश होने जा रही है, इसके खसूसी एक इंटरव्यू के लिए हमने DSP हेडक्वार्टर को बुलाया था, उन्होंने उसमें अपनी जो है अपनी एक्सपीरियंस दी। वर्दी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस J&K हैं, उनकी तरफ से क्लियर डायरेक्शंस हैं, जो मैसेजेस इन बरसों में गुज़श्ता बरसों में हमारे पास आ गई, उनमें सबसे जो प्राइम इम्पोर्टेंस है वो ड्रग को है, कि ड्रग को ख़त्म करिए, ड्रग्स फ्री बनाइए J&K को, ड्रग्स फ्री बनाइए अपनी सोसाइटी को। और इतना ही नहीं, हम यहाँ से एक मुहिम शुरू करके पूरी दुनिया के एम्बेसडर बन सकते हैं। तो पुलवामा में एक ऐसी एक ये वबा थी, इसको बोला जाता था ये नारकोटिक बाउल है, ये NDPS बाउल है। NDPS बाउल के हवाले से ये मामला क्या था कि यहाँ पे ड्रग्स बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ये हमें जानने की ज़रूरत है, यहाँ पे कुदरती तौर पे भी बंग उगती थी और बंग को उगाया भी जाता था। साथ में जो ये दूसरा एक जो नारकोटिक सब्सटेंस है जो लोकली वहाँ पे उगाया जाता था वो था फुक्की। फुक्की को वहाँ पे उगाया जाता था खशखाश के लिए, लोग जानते थे कि इससे खशखाश निकलता है, लेकिन जो ड्रग पेडलर्स हैं, ड्रग पेडलर्स ने इसको इंडस्ट्री बना लिया और ये ऐसा एक धंधा इन्होंने बना लिया था, रातों रात ये अमीर बनने के सपने देखते थे।